हेलो गाइस, कैसे होगा? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि फेसबुक पेज कैसे बनाएं। जी गाइस, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करें। फेसबुक पेज क्रिएट करके और मूवी क्लिप या फिर ब्लॉगिंग करते हैं या फिर यूट्यूब पे कोई भी काम करते हैं, उस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे अगर वीडियो को अपलोड करते हैं तो फेसबुक पे भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जिस तरीके से आप यूट्यूब से कमा रहे हैं उस तरीके से आप फेसबुक पेज क्रिएट करके और आप भी फेसबुक से लाखों रुपए कमा सकते हैं, फेसबुक सिर्फ पेज क्रिएट करके। तो जी, आप फेसबुक तो हमेशा चलाते होंगे, फिर आपके मन में कभी यह ख्याल नहीं आया होगा कि फेसबुक से आप पैसा कमा सकते हैं कि नहीं। तो फेसबुक से पैसा आप कमा सकते हैं फेसबुक पेज बनाकर। तो इस वीडियो में बताऊंगा फेसबुक पेज से कैसे क्रिएट करके और लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इन बेल आइकन पे आप प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से फेसबुक ओपन कर लेना है। फेसबुक ओपन करके ही आपको यहाँ से फेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। यहाँ फेसबुक में ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर देने के बाद से आप जस्ट पहले से ही आप मान लीजिए फेसबुक अकाउंट बना लिए होंगे, तो फेसबुक अकाउंट से आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना है। तो आपको कुछ तरीके से आ जाएगा। आने के बाद से प्रोफाइल ऑप्शन बोलेगा कोने में यहाँ पर, तो इस पे आपको ऐसा क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद से आपको कुछ प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद से आपको देखिए यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा, पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पेजेस के ऑप्शन पे आपके यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ तरीके से आ जाएगा। अगर इससे आप अकाउंट से अगर कोई पेज क्रिएट किए रहेंगे तो नीचे शो हो जाएगा। अगर चाहते हैं नया बनाने के लिए तो आपको देखिए यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन यहाँ से दिखा रहा है, तो इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ तरीके से आ जाएगा। आप किस तरीके से आ जाने के बाद गेट स्टार्टअप होगा, नीचे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद से आपके यहाँ से बोल रहे हैं कि आपका जो फेसबुक का पेज है उसका नाम क्या देना चाहते हैं। यूट्यूब का चैनल है तो यूट्यूब का चैनल आप मान लीजिए यूट्यूब चैनल बनाने से पहले आप सोच लेते हैं कि आप यूट्यूब का चैनल क्या रखना है या फिर क्या रखें कि अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे। उस तरीके से आप अपना यहाँ से अपना पेज का भी नाम कुछ अच्छा देख कर रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से मैं कोई फेसबुक पेज का नाम यहाँ से मैं रख लेता हूँ अपना अच्छा से देख के। आपको यहाँ पर जैसे ही नाम फिल करेंगे तो यहाँ से आप मान लीजिए आप स्मॉल लेटर में लिखिएगा, कैपिटल लेटर मत लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी यहाँ से नाम लिखिएगा उसको आपके यहाँ बड़े लेटर में नहीं लिखना है, छोटे अक्षर में लिखना है। आपको इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको नीचे बोलेगा नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे नीचे आपको यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको किस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आ जाने के बाद से आपको यहाँ से बोल रहा है कि आप मान लीजिए अपना वीडियो का कैटेगरी क्या रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग सर्च करते हैं, या फिर मान लीजिए आप एजुकेशन डाल रहे कैटेगरी, या फिर आप मान लीजिए टेस्ट वीडियो बनाते हैं टेस्ट सेलेक्ट करते हैं। जिस तरीके का आप मान लीजिए वीडियो बनाते हैं उस तरीके का आप मान लीजिए जिस तरीके का आप वीडियो बनाते हैं उस तरीके से आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टेक वीडियो बनाता हूँ तो टेक वीडियो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं टेस्ट वीडियो यहाँ से क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ से आ जाएगा साइंस टेस्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो आप मान लीजिए ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं या फिर और कुछ करते हैं तो यहाँ से जैसे ही सर्च कर देंगे तो वो आ जाएगा। और नीचे देखिए हेल्थ ब्यूटी यानी म्यूजिक, यहाँ से ग्रोसरी स्टोरी, जो आपको यहाँ से कैटेगरी सर्च करना है आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद नीचे का ऑप्शन बोलेगा नीचे, तो क्रिएट पे आपके यहाँ से क्लिक कर रहे हैं। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नया इंटरफेस यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ तरीके से आ जाएगा। आने के बाद से आपके यहाँ से बोल रहा है कि बायो में, जैसे कि मान लीजिए इंस्टाग्राम में देखते हैं कि बायो लिखने के बोलता है या फिर देखते हैं यूट्यूब में भी बायो लिखने के लिए देता है, तो इसमें भी आपको बायो लिखने के लिए बोल रहा है कि अपने बारे में कुछ लिखना बोल रहा है लिखने के लिए, या फिर जो आप मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या क्या बता रहे हैं, या फिर कुछ अलग तरीके का आप यहाँ से बायो लिख सकते हैं। यहाँ से कोई वेबसाइट का लिंक वगैरह दे सकते हैं, यहाँ से ईमेल दे सकते हैं, यहाँ से अपना फोन नंबर दे सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ से फिल करके आपको ऐसा दिखाता हूँ। मैं कुछ लिख लिया हूँ, लिखने के बाद से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ से कॉन्टेक्ट यानी वेबसाइट, कोई वेबसाइट के थ्रू आप मान लीजिए कोई कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उसे आपको एक वेबसाइट वगैरह दे सकते हैं जिससे मान लीजिए आप कोई भी आदमी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई वेबसाइट के जरिए आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए या फिर फोन नंबर के जरिए, तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से यहाँ से फिल कर लीजिएगा। वेबसाइट वगैरह या फिर ईमेल यहाँ से फोन नंबर या फिर यहाँ से देखिए यहाँ से एड्रेस आपको यहाँ से फिल कर देना है, यहाँ से कंट्री से फिल कर देना है और यहाँ से आपको पिन कोड आपको यहाँ से फिल कर देना है। यहाँ से मैं स्टेप बाय स्टेप फिल करके यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ तरीके से आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, आपको यहाँ से कोई बैनर बनाए होंगे, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आप कोई बैनर लगाना चाहते हैं तो बैनर लगाते हैं, तो उसपे इस पे भी आप कुछ बैकग्राउंड में बैनर लगा सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर यानी फोटो वगैरह लगा सकते हैं यहाँ से एडिट करके, उसके बाद से इसमें और इतना लगा देने के बाद से आपको आगे के स्टेप बताता हूँ क्या करना है।
जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर या सेलेक्ट कर देने के बाद से आपको नीचे बोलेगा नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के, यहाँ से नेक्स्ट पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ सेटिंग करना है, चलिए बताता हूँ। अगर यहाँ फिल करना चाहते तो फिल कर सकते हैं, अगर नहीं फिल करना चाहते तो नीचे जा देखिए आपको स्किप करने के लिए बोलेगा ऑप्शन, तो स्पीक स्किप के आप यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे स्किप पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ तरीके से आ जाएगा अपने फेसबुक, आप मान लीजिए फेसबुक अकाउंट चलाते होंगे तो उसमें बहुत सारे आपको फ्रेंड्स होंगे, तो फ्रेंड में आपको यहाँ से बोल रहा है कि इन्वाइट करने के लिए, देखिए यहाँ से बोला है इन्वाइट करने के लिए, तो आप यहाँ से इन्वाइट कर सकते हैं या फिर नीचे आपको देखिए नेक्स्ट ऑप्शन बोलेगा बाद में इन्वाइट कर सकते हैं, उसके बाद नीचे बोलेगा नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के, इस पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फेसबुक पेज बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ से पेजेस का नोटिफिकेशन बोल रहा है कि आपका जो पेज है उसका कोई नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो उसको ऑन करे कि नहीं कर रहा, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन होगा तो इस पे आपको यहाँ से बंद होगा तो इसको चालू कर दीजिएगा। चालू कर देने के बाद आपको नीचे बोलेगा फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के लिए, तो यहाँ से फिर से आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ तरीके से आ जाएगा, तो फिर से आपको नीचे आपको यहाँ से बोलेगा डाउन कर देने, यहाँ पे आपको डाउन कर देना। डाउन कर देने के बाद आपको देखिए अभी आपको फेसबुक पेज यहाँ से बन के तैयार हो चुका है, देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए अभी आप यहाँ से फेसबुक पेज बनके तैयार हो चुका है, यहाँ से क्रिएट हो देना, यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक कर देने के बाद आपको किस तरीके से आ जाए इसको और सब कुछ यहाँ से नेक्स्ट पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक पेज है वो बनके तैयार हो चुका है। देखिए थ्री डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसी नाम से फेसबुक पेज क्रिएट किए थे वो फेसबुक पेज यहाँ से क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से करके आप अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं और फेसबुक पेज क्रिएट करके आप भी लाखों रुपए का कमा सकते हैं। जी गाइस, अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक पेज पर वीडियो कैसे अपलोड करें, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, सब कुछ यहां से आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जी गाइस, अगर इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।